इधर अंदर जा रहे हैं और अंदर चले गए। मैं तो बोल रहा हूँ यस भाई मारे जाते हैं, माँ अपना बच्चा खो देती है, बच्चे अपने माँ बाप। वागिल को एक और मौका मिल जाएगा उसे दोबारा जाऊँ। हमें अमन के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। कट अगर लेफ्ट कर दो बोलो सर वो तो भाग गया और माँ ने लुक दिया पीछे। यस नेमाब को लुक इधर से और बोलेंगे चलते हैं। आक्षम चलो सब उड़ने का क्यों ले आज के इस दौड़ भाग की दुनिया में जहां हर कोई ताकत के लिए लड़ रहा है और हर बड़ा देश छोटे देश पर हमला करके उसकी जमीन हड़पना चाहता है, ऐसे में आपका ये अमन और शांति का संदेश सबके लिए एक। तो पहली बार ऐसा है कि ये दुश्मन कौन है बालवीर को नहीं पता, वो अनजान है। उससे पहले भी काफ़ी सारे अच्छे लोगों को मार चुका है, यहाँ ही नहीं बल्कि अलग अलग ब्रह्मांड में भी। तो इस बार कहीं ना कहीं बालवीर में मल्टीवर्स एक्सप्लोर हो रहा है और वहाँ से वो विलन आया है जो इस बार इस ब्रह्मांड के बालवीर को मारना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, उसे ओवरकम करने के लिए वो बालवीर के चहितों को मारना चाहता है। तो उसी के दौरान बालवीर को पता चलता है कि बेनाम पर वार हुआ है, वो बेनाम के पास आता है लेकिन बेनाम मर चुकी है। तो क्या वो सच में मर चुकी है या फिर जो विलन है उससे कोई चाल चली है? और एट देन महामहिम उत्तान जब आते हैं तो एक रास्ता बताते हैं उसे बचाने का, बेनाम की जान वापस लाने का। तो क्या बालवीर वो कर पाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो भी भटक जाएगा इस सब के बीच? तो ये आपको आने वाले एपिसोड्स में बालवीर को देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स क्योंकि बालवीर का काफ़ी अलग ही ट्रैक है इस बार और पर्सनल जर्नी है इस बार बालवीर की, उसकी मदर के साथ, उसके गुरु के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ। और कहीं ना कहीं अपनों में उसे विलन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं दुश्मन है जो शाश्वान लोक में रहता है वहाँ पर भी उसके दुश्मन है। तो बालवीर को ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो किस पर विश्वास करे, किस पर भरोसा करे और क्या कहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताए। तो बालवीर के लिए एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी है कि कैसे वो अपनी माँ को वापस बचाएगा, कैसे महामहिम उत्तान से मदद लेगा और एट द एंड जो विलन है उसका सच पता करके उससे अपनी माँ की आत्मा वापस ला पाएगा। ऑफकोर्स इतना इंटरेस्टिंग ट्रैक आ रहा है और हमें शूट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड एज बालवीर मैं पिछले 11 सालों से आप सबको एंटरटेन कर रहा हूँ और इतने अच्छी अच्छी स्टोरीज, इतनी मेटाफोरिकली जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी सीख देती है आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, वो हम स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप बालवीर को हमेशा यूँ ही प्यार करते रहिए, देखते रहिए और थैंक यू सो मच आपके लव और सपोर्ट के लिए। लव यू ऑल।